हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी एंड हाउ आर यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। और आज हम अपनी इस वीडियो में करते हैं क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और थर्ड पार्ट। क्या क्वेश्चन है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 by c2, फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और को इनसाइड। मतलब इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशन से बनने वाला जो लाइंस होंगी, क्योंकि आपको पता है जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उनका जो ग्राफ होता है वो क्या होती है, वो एक लाइन होती है। ओके, तो ये जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल होंगी या फिर वो को इनसाइड होंगी। तो आपको इन तीनों चीजों को माइंड में रखते हुए इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, पैरेलल या को इनसाइड। तो देखो, इसमें मैंने आपको एक वो बताया था, जब इंट्रोडक्शन कराया था तो हमने इसमें कंपैरिजन किया था a1 a2 b1 by b2 c1 by c2 का। तो हम उसी को लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, 5x - 4y + 8 = 0 है। इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ओके, और इधर की तरफ लिख लो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब कंपैरिजन करने से पहले हम इसमें आपको पहले लिख देते हैं जो हमने किया था, इसको आप माइंड में इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा रख के तब करना, ठीक है, तब आपका बहुत इजी हो जाएगा। क्या क्या किया था हमने, हमने किया था a1 by a2, और एक केस हमारा फर्स्ट केस था जो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 था। तो इस तरह का जो हमारा केस होता था उसमें हम उसमें क्या होती थी, उसमें जो ग्राफ से बनने वाली लाइंस क्या होती थी, वो होती थी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिर हमारा दूसरा केस होता था a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, इसमें जो हमारी लाइंस होती थी वो को इंसिडेंट होती थी, एक दूसरे के ऊपर लाई करती थी। और उसके बाद जो हमारा थर्ड केस होता था वो हमारा क्या होता था, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, ये हमारी होती थी यहाँ पे पैरेलल लाइंस। ओके, तो बस इन तीनों को ही माइंड में रखते हुए हम उसको सोल्व करना है। अगर आपसे ये आता है तो आप इसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो, अब हम इनके लिख लेते हैं, a1 है ये b1 है, ये c1 है, फिर इसमें ये सेकंड में a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो जल्दी से आप इनको लिख लो, a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। उसके बाद देखो, इनको लिखने में बहुत फायदा होता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन कई बार आप क्या कर देते हो, आप साइन किस में गलती कर देते हो, आप साइन भूल जाते हो। b2 = 6 है और c2 = -9 है। तो हम करते हैं इसमें कंपैरिजन, क्या है इसमें, 5 a1 by a2 और 4 - 4 by 6। तो ये तो इसमें वैसे भी माइनस का साइन लग गया तो ये तो इक्वल नहीं है। ओके, 5 by 7 ये 2 by 3 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल। तो इसमें हमारा फर्स्ट c1 by c2 के कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, इसमें फर्स्ट से ही पता चल गया हमें। ओके, पहले वाले से पता चल गया, a1 by a2 और b1 by b2 के कंपेरिजन पता चल गया क्या होंगी है। तो यहाँ पे आपके लिखो, हेयर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, बस इतना आपको लिखना है। और उसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट। ओके, सेकंड आप अपने आप कर लेना, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, फिर मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी। 6x - 3y + 10 = 0, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारी है 2x - y + 9 = 0, a1 6 है, b1 = -3 है, c1 = 10 है। ऐसी इसमें a2 2 है, b2 - 1 है और c2 आपका इसमें 9 है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आप ये भी ले सकते हो,
कि हेयर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। पहले आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें हेयर ये वन लाइन और इसमें छोड़ लो, ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, इसमें ये भी ऐड कर दो तो और अच्छा लगेगा। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ, थर्ड पार्ट हम कर देते तो इसमें ए वन बाय ए टू, ओके, क्या है आपका ए वन बाय ए टू, सिक्स बाय टू, ये कितना हो जाएगा, टू वन या टू, टू थ्री या सिक्स, ये आपका आगे यहाँ पे थ्री। ओके, अब इसमें आप कर लो यहाँ पे बी वन बाय बी टू, क्या है आपका माइनस थ्री और माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी आपका क्या आ गया, थ्री। ओके, अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, अब हमें सी वन और सी टू का कंपेरिजन करना पड़ेगा। अब हम यहीं पर कर लेते हैं, सी वन बाय सी टू कितना है, टेन बाय नाइन है। ओके, तो ये क्या है, ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब इसमें हमारा क्या बैठ रहा है कि ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ठीक है। तो अब आप इसमें कर लो कि हेयर ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, सो लाइन्स ऑफ इक्वेशंस आर क्या होती हैं, क्या था थर्ड केस हमारा, पैरेलल था ना, ठीक है, तो आर पैरेलल। तो ये आपके हो गए दोनों के दोनों, फर्स्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट। और अगर आपको अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।